हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेस्ट क्वेस्ट रेसिपीज। तो हमारी आज की रेसिपी है लौकी का भरता। ये बिल्कुल बैंगन के भरते के जैसा ही बनता है। इसमें भी हम लौकी को गैस के ऊपर चार करेंगे, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करेंगे, फिर उसका भरता बनाएंगे। एंड इट टेस्ट इक्वली डिलीशियस एंड इट्स वेरी इजी टू मेक। So let's see how to make it. But before moving forward, guys, please subscribe to my channel and share with your friends and family. तो लौकी के भरते के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने लौकी लिया 350 ग्राम्स, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर इसमें कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम इसको गैस के ऊपर चार करें तो अंदर से अच्छे से पक जाए। So make cuts evenly. अभी उसके पर we'll grease it with oil, जिससे ना स्किन एकदम आसानी से निकल जाएगी। तो grease it all over with oil. बस अभी हम इसको सेकेंगे directly गैस के ऊपर, ऐसे stand या फिर इसको जाली या जो भी कहते हैं ऐसा मिलता है बाजार में। और if you don't have this, तो जो माइक्रोवेव के साथ स्टैंड आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कीप ऑन दैट एंड अच्छे से इसको पका लेंगे। तो विल कीप रोटेटिंग साइड्स ताकि वो सब तरफ से अंदर से अच्छे से पक जाए। और इट विल टेक अराउंड 10-12 मिनट्स टू गेट थॉरली कुक फ्रॉम इनसाइड। तो हमें आँच मीडियम रखनी है, तेज नहीं रखनी है, ताकि हमारी लौकी अंदर से अच्छे से पक जाए। सो 10-12 मिनट हो गए इसको पकते पकते। सो लेट्स चेक। सो ये नाइफ ईजिली गोज इनसाइड, दैट मीन्स आवर लौकी इज डन। सो टेक इट ऑफ द गैस एंड लेट इट कूल डाउन कम्प्लीटली। तो एक बार ठंडी हो जाए लौकी, तो ऐसे चाकू की मदद से हम उसकी स्किन स्क्रेप करके निकाल देंगे। इजीली निकल जाती है क्योंकि हमने ऊपर तेल लगाया था, तो अच्छे से स्किन स्क्रेप करके हम सारे निकाल देंगे। आई होप यू गाइज आर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। It gives a great motivation to make such videos. So please subscribe to my channel, guys. तो ये हमने सारी स्किन निकाल ली है। Now we'll chop the लौकी into small pieces. या फिर you can mash it, whatever you like. तो इसको हम एकदम बारीक बारीक chop कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लौकी अच्छे से एकदम इजीली चॉप हो जाती है, दैट मीन्स इट इज़ परफेक्टली कुक्ड फ्रॉम इनसाइड। तो हमें ऐसे ही चार करके लौकी को अंदर से पका लेना है। विल कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। आप अगर चाहे तो लौकी की स्किन निकालने के बाद उसको धो सकते हैं। मैंने धोया नहीं है बिकॉज वी लाइक द स्मोकी फ्लेवर। सो यू कैन वॉश इट एंड देन चॉप इट। सो हमारी लौकी अच्छे से चॉप हो गई है। नाउ लेट्स मेक भरता। भरते के लिए इन अ पैन विल एड 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गरम हो जाए फिर उसके बाद डालेंगे 1 टीस्पून ड्राई, 1 टीस्पून जीरा, 1 तेज पत्ता और 1 सूखे लाल मिर्च। फिर इसमें डालेंगे हम बारीक चॉप किया हुआ अदरक 1 टीस्पून, उसको भी थोड़ी देर भून लेंगे।
फिर इसमें डालेंगे चिली गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, ताज़ी कुटी हुई, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। उसको भी अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 बड़ा सा प्याज, मैंने इधर बारीक काट के डाला है। तो विल सौते अनियंस अंटिल ट्रांसलूसेंट, हल्के गुलाबी रंग के नहीं हो जाते तब तक इसको भून लेंगे। इसमें विल ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट ताकि हमारे प्याज अच्छे से पक जाए। प्याज पक जाने के बाद हम इसमें मसाले करेंगे, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून टर्मरिक, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर। सबको अच्छे से मिला लेंगे। बस थोड़ी ही देर पकाएंगे, फिर इसमें डालेंगे हम टमेटोज, 2 बड़े टमाटर मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। फिर उसको हम डाल देंगे ये प्याज के मसाले में। तो टमाटर को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। नाउ विल कवर इट एंड लेट इट कुक अंटिल द टमेटोज आर कम्प्लीटली कुक्ड सॉफ्ट एंड मशी। तो 5 से 7 मिनट उसको लगे हैं पकने में। तो आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से हमारे पक के सॉफ्ट हो गए हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे चॉप्ड एंड मैश्ड लौकी। लौकी को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, सच दैट द मसाला कोट्स लौकी वेरी वेल। इस टाइम पे इफ यू फील यू कैन यूज अ मैशर एंड मैश, अगर आपके लौकी के टुकड़े थोड़े बड़े हैं तो वो पक्की इतनी अच्छी है ना, तो अच्छे से मैश हो जाएगी। सो नाउ विल कवर दिस एंड लेट इट कुक फॉर 10 to 12 मिनट्स, जब तक हमारा भरता एकदम अच्छे से बनकर तैयार नहीं हो जाता। तो 10 से 12 मिनट में ये पक गया। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और लास्ट में डालेंगे फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर और अच्छे से मिला लेंगे। इन सबको विल गिव इट अ नाइस मिक्स। ये हमारा लौकी का भरता इज रेडी टू सर्व। नाइस एंड मशी। सो डू गिव दिस रेसिपी अ ट्राई एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तो इसको हम गरम गरम सर्व करेंगे। मैंने यहाँ पे इसको मक्के की रोटी के साथ सर्व किया है। यू कैन सर्व इट विद पराठा, भाखरी, रोटली, वट एवर यू लाइक। सो आई होप यू गाइज लाइक माई टूडेज रेसिपी एंड इफ यू डिड गिव इट अ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।